नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय बागीशायस्य बदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परंधाम जगद्धाम नमाम तत् माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धि विधायिनौ वंदे परस्परात्मानौ परस्परोन्नतिप्रियौ अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलिलवहशैलतां मेरुर्मृतकणतां तृणं कुलिशतां वज्रं तृणप्रायतां बन्निशीतलतां हिमं दहनतां आयातीयस्येच्छया लीलादुर्ललित अद्भुतव्यसनिने देवाय तस्मै नमः अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम विश्वेश तत्व प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम अहंकार ह्रींकार रहस्य युक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूतिं ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरु का पादुकाभ्यां आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगींद्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः
यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं याइदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घन प्रत्यगरुथो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंदयोगींद्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यं। अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुते स्मृते पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसंततिं स्मृति मात्रेण यत् पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम् अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारस्य अथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओं तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता।
नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है, मृत्यु नहीं आती, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है। वेद का अर्थ बताने वाले गुरु हैं। तो सज्जन, गुरुओं की भी गुरु भगवान श्री कृष्ण है। सज्जनों, वो जगत गुरु हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। क्योंकि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर के अवतार हैं भगवान, तो सर्वज्ञ होने से और जीव अल्पज्ञ हैं, इसलिए सभी जीवों के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। तो संपूर्ण वेदों का सार श्रीमद् भगवद गीता है। भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण वेदों का सार उपनिषद है, और उपनिषदों का भी सार श्रीमद् भगवद गीता है। गीता महात्म्य ऐसा ही लिखा है, सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। भगवान कृष्ण ने संपूर्ण उपनिषदों को गौएं बनाया और स्वयं उपनिषदों का सार रूप दूध दोहन वाले दुहने वाले स्वयं आप बने गोपाल। और पार्थो वत्सा, प्रथा का पुत्र पार्थ, कुंती का नाम एक प्रथा भी था, तो कुंती का पुत्र होने से अर्जुन को कौंतेय भी कहते हैं, और प्रथा का पुत्र होने से पार्थ भी कहते हैं। तो कुंती का ही नाम पार्थ प्रथा था, इसलिए अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है। तो पार्थ को बछड़ा बनाया और उपनिषदों का सार दोहन किया। सुधीर भोक्ता, इस दूध को कौन पी सकते हैं? कहते हैं जिनकी शुद्ध बुद्धि है, विवेक वैराग्य खट संपत्ति मुमुक्षुता चतुष्टय साधन से संपन्न है, उनकी बहुत शुद्ध बुद्धि है, वही इस दूध का पान कर सकते हैं, दूसरा नहीं पान कर सकता है। क्योंकि दूसरा साधन संपन्न बिना जो कोई सुनेगा, शुद्ध बुद्धि नहीं है सुनेगा, उसके हृदय में यह ज्ञान ठहरेगा नहीं। सुनते हैं सिंघनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है, दूसरे पात्र में नहीं ठहरता, छेद करके निकल जाता है। तो जिसका हृदय रूपी पात्र शुद्ध होगा, उसी के हृदय में ये दूध ठहरेगा, दूसरे के हृदय में ये नहीं ठहर सकता है। तो इसलिए शुद्ध बुद्धि हो करके इसको सुनना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। अर्जुन को अहमता ममता रूपी मोह सताया था, इसलिए अर्जुन दुखी था, विषाद था,
क्योंकि जो अपने स्वरूप को नहीं जानता है वो शरीर में अहमता करता है, शरीर के संबंधियों में ममता करता है। ये मोह है सज्जनों। इस मोह के कारण अपना स्वरूप समझ में नहीं आता तो विषाद दुखी होता है। इसलिए गीता का जो पहला अध्याय है, अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय, वो जीव की तरफ से, जीव अज्ञानी है, अल्पज्ञ है, तो उसको अहमता ममता स्वाभाविक है। शरीर में मैंपना, शरीर के संबंधियों में, माता पिता भ्राता भगनी पत्नी पुत्र परिवार में ममतापना मेरापना, ये स्वाभाविक। तो इसी मोह से सज्जनों दुख होता है। परंतु ये मोह जब हुआ तो अर्जुन ने भगवान की शरण लिया। तो जो भगवान की शरण लेता है भगवान उसका मोह दूर कर देते हैं, उसको अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान करा देते हैं। तू समझ तो तू है कौन, तो क्या तू शरीर है, स्त्री है, पुरुष है, क्या है तू, अपने आप को समझ तो सही, क्यों दुखी होता है। तो आत्मज्ञान से मोह दूर हो जाता है। इसलिए दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। सांख्य योग कहते हैं ज्ञान योग। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ये ज्ञान देना। अहम स्त्री अहम पुमान, मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ, ये अज्ञान है। और ना हम देहो हम आत्मेति, स्त्री पुरुष पन्ना तो ये देह में है, आत्मा में नहीं है। वो तो स्त्री में, पुरुष में, बालक में, वृद्ध में, हिंदू में, मुसलमान में, आत्मा तो सब में एक है। ये जितने नाम और रूप हैं ये शरीर में है, और सब शरीर भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी माया से बन जाते हैं क्षण मात्र, और मैं स्वयं ही आत्मा रूप से सबके शरीर में विराजमान होता हूँ। इसलिए मेरा जन्म मरण नहीं होता है, न जायते मृियते वा कदाचन। आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि अर्जुन समझ अपनी आत्मा को। नत्वेवाहं जातु नाशम नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैवो न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्जुन, ऐसी बात नहीं है कि इन शरीरों के उत्पत्ति के पहले हम लोग नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। किंतु जब शरीर नहीं उत्पन्न हुए थे तब भी हम थे। नत्वेवाहम, मैं नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे। नत्वेवाहम जातु नासम नत्वम और न इमे जनाधिपा, किंतु मैं भी था ये शरीर जब नहीं था पहले, तू भी था और ये राजा लोग भी थे इन शरीरों के उत्पत्ति के पहले। ऐसा नहीं कि हम नहीं थे, थे पहले भी। नत्वेवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैवो न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। अर्जुन, ऐसी भी बात नहीं है कि ये जब शरीर नहीं रहेंगे
तो मैं नहीं रहूंगा और तू नहीं रहेगा, ये राजा लोग नहीं रहेंगे, किंतु शरीर नहीं रहेगा तब भी हम रहेंगे, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा की उत्पत्ति नाश नहीं होता है, सभी उत्पत्ति नाश शरीरों की होती है, और शरीरों की रचना मेरी माया करती है। मेरे शरीर ईश्वर के शरीर को भी माया ही बनाती है, और ये जीवों के जो शरीर है इनको भी माया ही बनाती है। मैं तो केवल दृष्टा साक्षी मात्र रहता हूँ, और मैं ही सबकी आत्मा हूँ, सबके शरीर में बैठ के मैं ही देखता हूँ, इसलिए जीव भी दृष्टा साक्षी आत्मा ही है। शरीर तो छाया के समान जड़ है, इसी को माया कहते हैं। और मैं दृष्टा साक्षी हूँ, मैं चेतन पुरुष हूँ। देख अर्जुन, तू भी शरीर को देखता है, तो इस शरीर कुछ नहीं जानता, ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है। जैसे छाया ना अपने को जानती है ना दूसरे को जानती है, ऐसे ही ये शरीर भी है, ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है। पर सबके शरीर में बैठकर मैं ही देखने वाला दृष्टा हूँ, मैं आप अकेला हूँ। शरीर अनेक मेरी माया से बन जाते हैं, और मैं दृष्टा साक्षी एक हूँ। इसीलिए सब लोग कहते हैं अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ, देखने वाला तो एक ही है। न स्त्री पुमान व संडो व जीव सर्वगतोभ्य, जीवात्मा न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, न ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी है। सब में है, सबसे अलग है, सबका दृष्टा साक्षी। भगवान शंकराचार्य जी का शिष्य एक हस्तामलक नाम का ब्राह्मण हुआ है, उसका नाम हस्तामलक था। वो 16 वर्ष तक जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक बोला ही नहीं था। तो शंकराचार्य जी जब दिग्विजय करते हुए इस ब्राह्मण के ग्राम में पहुंचे, तो सभी गांव वाले गए शंकराचार्य जी का दर्शन करने के लिए। सबने प्रणाम किया, और ये ब्राह्मण भी गया और प्रणाम किया, और अपने पुत्र को भी प्रणाम कराया, और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया इस ब्राह्मण ने कि हे भगवान, ये मेरा बेटा 16 वर्ष का हो गया, अब तक बोलता ही नहीं, पता नहीं इसको क्या बीमारी है। शंकराचार्य जी तो ज्ञानी तो थे ही, पर योगी थे, योग बल से उन्होंने जान लिया कि ये ब्राह्मण बालक ज्ञानी है, योग भ्रष्ट हो गया है, इसलिए इसका एक जन्म हो गया है, नहीं तो ज्ञानी का जन्म नहीं होता किसी कारण बस, इसका जन्म हो गया, ये ज्ञानी है। तो भगवान शंकराचार्य उस बालक से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, कस्त्वं शिशो कस्य कुतो सिगंता, किं नाम ते त्वं कुतया गतोसि, एतन्मयोक्तं वदचार्भकत्वं मत्प्रीतये प्रीतिविवर्धनोसि। हे बालक, तू अपना पता बता, तू कौन है, किसका पुत्र है, ये सब बता। तो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है कि ब्रह्मचारी है कि गृहस्थ है कि वानप्रस्थ है कि सन्यासी है, तेरा जाति वर्ण क्या है, तो अपना परिचय तो दे। तुझसे कोई पूछेगा तू कौन है, तो अपना पता बताना ही पड़ेगा ना।
तो देखो जो 16 वर्ष तक बोला नहीं था वो बालक शंकराचार्य जी के सामने बोल उठा। तो वो क्या बोलता है, ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रो न ब्रह्मचारी न बनि ग्रही बनस्थो भिक्षुर न चाहम निज बोध रूपा। न हम मनुष्यो न च देव यक्षो, न मैं मनुष्य हूँ न कोई देवता हूँ न कोई यक्ष किन्नर नाग आदि हूँ न कोई गंधर्व आदि हूँ और न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, न मैं ब्राह्मण हूँ न क्षत्रिय हूँ न वैश्य हूँ न शूद्र हूँ और न ब्रह्मचारी न ग्रही बनस्थो भिक्षुर न चाहम, न मैं ब्रह्मचारी हूँ न गृहस्थ हूँ न वानप्रस्थ हूँ न सन्यासी हूँ। तब फिर तू कौन है भाई, कहा निज बोध रूपा, मेरा निजी स्वरूप बोध है, बुद्ध ज्ञाने, बोध नाम ज्ञान का है सज्जनों, ज्ञान ही मेरा स्वरूप, ज्ञान में कोई वर्ण आश्रम नहीं होता, सभी वर्णों में मैं हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके भीतर मैं हूँ, सबको देखता हूँ, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी सबके भीतर हूँ, सबको देखता हूँ, देव दानव मानव पशु पक्षी सबके भीतर हूँ, सबको मैं देखता हूँ। तो मेरा स्वरूप केवल ज्ञान है, ज्ञान में कोई जाति वर्ण आश्रम होता ही नहीं है, सब में होता है, सबको देखता है, हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी देवता दैत्य सब में होता है, ज्ञान तो सब में ही ना, सबको देखता है। सज्जनों हमारा तुम्हारा जीवात्मा का स्वरूप बोध है, अनुभव करके देखो, विचार करके देखो, तुम भी अपने शरीर में हो, अपने शरीर को देह को इंद्रियों को मन और बुद्धि को प्राणों को तुम देखते हो, तो सब देश को देखने वाले सबसे तुम बिल्कुल अलग हो ना, मिलते नहीं हो, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण दिखाई पड़ते हैं और तुम दिखाई नहीं पड़ते हो किंतु देखते हो, ये छाया के समान दृश्य हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मेरी माया स्वयं छाया के समान है और मेरी प्रेरणा से मेरे मुझे ईश्वर के शरीर और जीवों के शरीर ये सब मेरी माया मेरी प्रेरणा से क्षण मात्र में बना देती है और मैं ही स्वयं इन शरीरों में बैठ करके स्वयं देखता हूँ। देहो देवालयः प्रोक्तः सजीवः केवलः शिवः त्यजेत अज्ञान निर्माल्यं सोहं भावेन पूजयेत। अर्जुन ये देह देवालय हैं, मंदिर हैं, छोटे बड़े मनुष्य पशु पक्षी देवता दैत्य, ये शरीर जो है ना ये सब मंदिर है, गाय भैंस बकरी सिंह व्याघ्र मंदिरों के ये आकार हैं, इनमें सब में जो बैठकर देख रहा है वो देव है, वो मैं ही हूँ, देव एक ही है, देखने वाला एक ही है और वो मैं ही हूँ। अर्जुन एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च।
अर्जुन देव एक ही है, सर्वभूतेषु गूढ़ा, सभी भूतों में छिपा हुआ है। भूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांच महाभूत हैं और पंच महाभूते भी अखिलम जगत। पंच महाभूतों से ये सब शरीर बने हुए, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र सब पंच महाभूतों से बने, इसलिए इनको भी भूत कहते हैं। तो सर्वभूतेषु गूढ़ा, सब भूतों में छिपा हुआ है। छिपा हुआ क्यों है? कहता वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता, स्वयं देखता है पर दिखाई नहीं पड़ता है। सब शरीर रूपी मंदिर के भीतर रहता है, इन मंदिरों के भीतर छिपा हुआ है। मंदिर तो देख सकते नहीं है, ये सब माया से बने। मंदिर तो सब जड़ होते हैं ना, मंदिरों को ज्ञान नहीं होता है। मंदिर पंच महाभूतों से बनते हैं, शरीर भी पंच महाभूतों से बने। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच महाभूतों से ये शरीर बने हुए, इसलिए इनको ज्ञान नहीं है। पंच महाभूत माया से बने हैं, माया को भी ज्ञान नहीं है। भगवान की छाया के समान है माया, पर देखने वाला देव तो सब में छिपा हुआ है, सबके भीतर है ना। मंदिर के भीतर देव होता है, तैसे शरीर रूपी मंदिर के भीतर है, हृदय रूपी सिंहासन में बैठा है सबके भीतर। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि परतस्तु सः। अर्जुन भीतर चलो, अपने शरीर के हृदय रूपी सिंहासन में चलो। कहते हैं अर्जुन, इस शरीर के बाहर तो ये सारे संसार के मंदिर दिखाई पड़ रहे हैं, अब इस शरीर के भीतर इंद्रियां हैं, आँख कान नाक आदि इंद्रियां इस शरीर के भीतर हैं, और इंद्रियों के भी भीतर मन है, मन के भी भीतर चलो, मन के भीतर बुद्धि है, बुद्धि के भी भीतर चलो। यो बुद्धि परतस्तु सह, जो बुद्धि से भी भीतर है, सह माने वह आत्मा है, माने हमारा तुम्हारा स्वरूप आत्मा, प्रत्यगात्मा, सबको देखने वाला, सबको देखने वाला आत्मा बुद्धि के भी भीतर है। उसको सह इसलिए कहते हैं कि ये सब उसको देख सकते नहीं। सह माने वह, जो इसको देखता है, इदम, इसको इदम कहते हैं, उसको तद कहते हैं। इदम माने यह और तद माने वह, तत्पद का ही सह बनता है, इदम का यह बनता है। तो वह जो दिखाई नहीं पड़ता, कोई देह इंद्रिय मन बुद्धि सब कोई देख नहीं सकते उसको, और वो इनको सबको देखता है, वो आत्मा है, वो हमारा तुम्हारा स्वरूप है सज्जनों। अब स्वयं विचार करो, देखो तुम अपनी बुद्धि को देखते हो, मन को देखते हो, इंद्रियों को देखते हो, ये शरीर को देखते हो, और इंद्रियों के द्वारा बाहर निकल करके ये संसार को भी देखते हो। तुम्हारे सिवाय तो कोई देखने वाला नहीं है, ये सब दृश्य हो गए ना, तुम दृष्टा रहे, तो तुम सबको देखते हो, तुमको कोई नहीं देखता।
गुप्त हो, छिपे हुए हो, इनके सबके भीतर हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं वही आत्मा है और वो आत्मा मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि सबके देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण तो मेरी माया से बन जाते हैं, ये देख सकते नहीं हैं, क्योंकि माया छाया के समान जड़ है। जैसे छाया जड़ है, पुरुष चेतन है, छाया पुरुष से प्रकट होती है, पुरुष के आश्रित रहती है, फिर पुरुष में समा जाती है। पुरुष तो पूर्ण है, सत्य ज्ञान आनंद से जो पूर्ण हो, पूर्णत्वात् पुरुषा, पुरुष उसको कहते हैं जो सत्य से, सत्य जिसका जन्म मरण दोनों नहीं होता है। चिद माने अनंत अखंड ज्ञान, जिस ज्ञान का उत्पत्ति नाश ना हो, वो ऐसे ही आनंद, उत्पत्ति नाश रहित, आदि अंत रहित आनंद, वो पुरुष है। और ये सर्व संसार शरीर कहा, बस ये तो छाया है, जो दिखाई पड़े वो छाया, और जो देखे सो पुरुष। पुरुष खाली दृष्टा है, और जितने भी कर्म हैं वो देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों में, प्रकृति में है, ये माया में है। तो मुझ ईश्वर के शरीर, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश, कच्छ, मच्छ, बामन, बराह, नृसिंह आदि ये जो अवतार हैं, ये सब शरीर हैं, ये मेरे शरीर भी मेरी माया ही बनाती है। और जीव के ये शरीर हैं, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी आदि, इनका भी माया ही निर्माण करती है। माया छाया के समान जड़ है। सब शरीरों में बैठ के, क्या ईश्वर के शरीर में, क्या जीव के शरीर में बैठकर मैं ही चेतन पुरुष देख रहा हूँ, और मैं एक अद्वितीय हूँ। एको देवा, देव एक ही है, दो नहीं है। सब में बैठ करके देखने वाला देव एक ही है, वही ब्रह्म है। दृग दृश्य द्वय रूपे स्तः परस्पर विलक्षणौ, दृग ब्रह्म दृश्यमायेति सर्ववेदांत निर्णयः। कहते हैं दृष्टा और दृश्य दो पदार्थ, परस्पर विलक्षणौ, परस्पर विधि विरुद्ध स्वभाव वाले, जो ब्रह्म है वो सच्चित आनंद रूप है, और जो ये दृश्य है वो असत जड़ दुख रूप है। दृग ब्रह्म, दृष्टा ब्रह्म है, और दृश्य माया है, क्योंकि माया को, दृश्य को ज्ञान नहीं है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रय में तत् माया मात्र, जागृत स्वप्न सुसुप्ति इतनी ये माया है। इन तीनों को देखने वाला जो चौथा है वो ब्रह्म है, वो एक अद्वितीय है। अब जागृत स्वप्न सुसुप्ति इन तीनों को तो ज्ञान नहीं है सज्जनों, और हम आप जागृत को देखते हैं, स्वप्न को देखते हैं, सुसुप्ति को देखते हैं, इनसे अलग हो गए ना, हम दृष्टा हो गए, और ये तीन दृश्य हो गए। जो तीन को गिन दिया, सिद्ध कर दिया, ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति हैं, तो चौथा तो स्वभाव से ही अलग हो जाएगा सज्जन। इन तीनों में हम मिल सकते नहीं, दृष्टा मिल सकता नहीं, क्योंकि आकाश व सर्वगतश्च नित्य
आकाश के समान ये दृष्टा चेतन आत्मा सर्वगतः सब में व्यापक है। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र सब में व्यापक है, सबसे अलग है, इनमें किसी भी से मिल नहीं सकता। दृष्टा चेतन है, दृश्य जड़ है। अर्जुन बस दो ही पदार्थ, और हमको आपको सबको अनुभव भी है कि मैं देखता हूँ, तो भगवान तो बताते ही हैं, परंतु हमारा आपका सबका अनुभव है। हमको संशय रहित ज्ञान है कि मैं देखता हूँ, अहम पश्यामि नवा पश्यामि ऐसा संशय नहीं है हमको। मैं देखता हूँ कि नहीं देखता हूँ इसको संशय कहते हैं, परंतु हमको आपको ये संशय नहीं है कि मैं देखता हूँ कि नहीं देखता हूँ, किंतु यही निश्चय है कि मैं देखता ही हूँ और शरीर मेरा दिखाई पड़ता है। अब मैं शरीर को देखता हूँ तो अनुभव सिद्ध हो गया ना कि ये शरीर को मैं देख रहा हूँ, ये शरीर मुझको नहीं देखता है। इसलिए नाहम देहो हम आत्मेति निश्चयो ज्ञान लक्षणम, मैं देह नहीं हूँ किंतु मैं चेतन आत्मा हूँ, यही ज्ञान का लक्षण है, यही उत्तम सत्य है। और जो दृष्टा है वो ब्रह्म है, और दृश्य है सो माया है, तो मेरा शरीर माया है और मैं दृष्टा ब्रह्म हूँ। दो ही पदार्थ हैं, तीसरा कुछ नहीं है अर्जुन। शरीर का जन्म मरण होता है, तो भगवान यही कहते हैं नत्वेवाहं जातु नासं नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैवो न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्जुन जब देह नहीं थे तब भी हम थे, देह नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे, और जो जन्म मरण आदि हैं ये सब देह के होते हैं और मेरी माया से होते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्जुन ये देह की अवस्थाएं हैं कौमारम यौवनम जरा, देही आत्मा की अवस्थाएं नहीं। हम शरीर की तीनों अवस्थाओं को देखते हैं, कौमार अवस्था को हमने देखा, युवा अवस्था शरीर की ही भाई हमारी दृष्टा की नहीं भाई, वृद्धावस्था भी शरीर की ही होती है, तथा देहांतर प्राप्ति ये देह से दूसरे देह की प्राप्ति शरीर की ही होती है। बदलता रहता है शरीर, आत्मा तो एक समान प्रकाशमान रहता है, न जन्मता है न मरता है। अर्जुन न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अयो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन जीवात्मा तो मैं ही हूँ ना, तो मेरा न जन्म होता है न मरण होता है न बालक वृद्ध कोई अवस्थाएं होती हैं, न हन्य ते हन्य माने शरीर, शरीरों के मर जाने पर आत्मा का मरण नहीं होता है, कोई मार नहीं सकता आत्मा को। नायम हंति नान्यते, आत्मा में कर्म नहीं है, इंद्रियों में कर्म है,
इसलिए किसी को नाहंत माने मारता भी नहीं है आत्मा किसी को, मारना कर्म है। और नाहन्यते ब्रह्म स्वरूप होने से, सत रूप होने से दूसरे से भी मारा नहीं जाता है। इसलिए नित्य सर्वगता स्थाणु रचलोयम से नित्य सनातन है, अचल है। ऐसा अपने आत्मा का स्वरूप भगवान कृष्ण ने बताया, और हमको आपको भी सज्जनों अनुभव है। ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये माया तो रोज ही आती जाती है सज्जनों, पर इन तीनों को देखने वाले हम तो न आते हैं न जाते हैं, एक समान प्रकाशमान रहते हैं। तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर का दिया हुआ ये ज्ञान है सज्जनों, हमारा आपका भी अनुभव है। बारंबार इसको विचार किया करो अपने साक्षी रूप में, दृष्टा रूप में। इस दृश्य से भिन्न हमारा देह दृश्य है, इससे भिन्न नहीं जाना करो। जागृत के देह देखो स्वप्न में नहीं रहते, स्वप्न के देह सुसुप्ति में नहीं रहते, सुसुप्ति समाधि में नहीं रहती है। पर हम बराबर इन तीनों को प्रकाशने वाले रहते। जागृत माही स्वप्न नहीं जैसे, स्वप्न माही जागृत नहीं तैसे, जग प्रपंच इम मिथ्या जानो, नेक सत्य या को मति मानो, बिन सामग्री उपजत याते, जग प्रपंच इम मिथ्या ताते। ये माया कोई सामग्री तो लेती नहीं संसार बनाने में, बिना सामग्री के ये शरीर संसार बना। परंतु इसको देखने वाले दृष्टा साक्षी तो बना नहीं है, वो तो बना बनाया सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो यही सज्जनों विचार किया करो हमेशा। आ सुप्ते रामृते कालम नए वेदांत चिंतया, दद्यात नाव सरम किंचित काम आदि नाम मनागम। जब से सोकर उठो और फिर सोने तक यही वेदांत का चिंतन किया करो। वेदांत नाम वेद के अंतिम कांड ज्ञान कांड का है। प्रथम कर्म कांड है वेद में, दूसरा भक्ति कांड है, तीसरा ज्ञान कांड है। ये अंतिम कांड होने से इसको वेदांत कहते हैं, माने वेद का अंतिम कांड। तो यही वेद का अंतिम कांड जो है गीता का ज्ञान है सज्जनों। गीता में कोई कथाएं नहीं है, सीधा ज्ञान का आत्मा क्या है अनात्मा क्या है यही ज्ञान है। तो देहात्म ज्ञान वद ज्ञानम, देहात्म ज्ञान बाधकम, आत्मनेव भवेत यस्तु सने छन्नपि मिच्यते। जैसे अज्ञान अवस्था में मैं देह हूँ ये दृढ़ ज्ञान रहता है, स्त्री हूँ पुरुष हूँ, तैसे ही अब ज्ञान अवस्था में इनको बाध का हटा करके मैं इनको देहों को देखने वाला आत्मा हूँ, ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म का अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।